ससुराल सिमरका के सेट पर इन दिनों प्रेम की सगाई का सीन शूट हो रहा है। कहानी में दिखाया जा रहा है कि सिमर मर चुकी है और इस बात को 2 साल हो गए हैं। आइए देखते हैं इस ट्रैक के बारे में शो के स्टार्स का क्या कहना है। मेरी जिंदगी में एक नया चेहरा जैसा कि आप देख सकते हैं, और आज हम लोग अपनी एंगेजमेंट का सीन शूट कर रहे हैं। और लेकिन प्रेम का क्या है कि प्रेम थोड़ा सिमर में ज़्यादा ही खो गया है, और सिमर को अभी तक भुला नहीं पाया। 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक सिमर के गम से बाहर नहीं आ पाया है। उसे आज भी लगता है कि सिमर आसपास ही मौजूद है। सिमर की ये चाहत थी कि वो जो कुछ भी करती थी अपने परिवार के लिए करती थी, भारद्वाज परिवार की खुशी के लिए करती थी। तो आज मैं उस परंपरा को आगे निभा रहा हूँ और अपने परिवार के लिए ये स्टेप उठा रहा हूँ कि आज मैं सुरभि से एंगेज होने जा रहा हूँ। एक सीक्वेंस ऐसा हो चुका है जहाँ हम लोग सिमर की लाश जला रहे हैं और अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और उस लाश जला रहे अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और वहाँ एक्सीडेंटली रोली को सिमर दिखाई देती है। हम सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, सबको कैटरैक्ट का प्रॉब्लम है, पूरा भारद्वाज परिवार को कैटरैक्ट है, कोई नहीं देखता है, सिर्फ रोली देखती है। रोली भागती है, पीछा करती है उसकी, उसका सिद्धांत पीछा करता है, उसके पीछे माता जी आती है, सब लोग पीछा कर करके आखिर में सिमर भाग जाती है, और रोली के दिमाग में डाउट रह जाता है कि सिमर जिंदा है।